दोस्तों, आज के टाइम में ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जिस घर में एलईडी बल्ब का यूज न होता हो। और यदि एलईडी बल्ब ओरिजिनल है तो ये सालों साल चलते हैं, जल्दी फ्यूज नहीं होते हैं। यदि लोकल हैं तो कुछ दिनों के बाद ही फ्यूज जाते हैं। चाहे आप अपने घर में ओरिजिनल लगवाएं या फिर लोकल, एक टाइम ऐसा जरूर आता है कि जब वो बल्ब फ्यूज जाते हैं। तो इन एलईडी बल्ब की सबसे अच्छी बात यह है कि इन एलईडी बल्ब को हम रिपेयर कर सकते हैं। जबकि जो पहले 100 वाट वाले बल्ब आते थे, वो एक बार यदि फ्यूज जाते थे तो उन्हें हम दोबारा रिपेयर नहीं कर पाते थे, उन्हें हमें फेंकना ही पड़ता था। लेकिन इन एलईडी बल्ब को रिपेयर आप तभी कर पाएंगे जब आपको इनके बारे में कुछ जानकारी होगा। यदि आप एलईडी बल्ब को रिपेयर करना बिल्कुल नहीं जानते हैं तो इसके ऊपर मैंने कई वीडियो बना दिया है। आप चाहें तो उन वीडियो को देख कर अपने घर के फ्यूज एलईडी बल्ब को रिपेयर कर सकते हैं। तो ये जो एलईडी बल्ब फ्यूज होते हैं, ज़्यादातर इनमें समस्या आती है एमसीपीसीबी में। इस एलईडी बल्ब का जो ड्राइवर होता है बहुत ही कम खराब होता है। 95% चांस यही होता है कि एलईडी बल्ब का केवल एमसीपीसीबी खराब होता है। और इस एमसीपीसीबी में भी केवल एक एलईडी बल्ब या ज्यादा से 2 एलईडी बल्ब फ्यूज होती है, जिसकी वजह से हमें इस एमसीपीसीबी को पूरा चेंज करना पड़ता है। हालांकि हम चाहें तो एमसीपीसीबी के एक एलईडी को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन एमसीपीसीबी में जो चीप वाले एलईडी लगे होते हैं ये बहुत ही छोटे होते हैं। चीप वाले एलईडी को चेंज करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक ऐसा एमसीपीसीबी बनाऊंगा जो लाइफ टाइम चलेगा, जल्दी खराब नहीं होगा। इसके लिए हमें चाहिए कुछ इस तरह का स्ट्रॉ एलईडी बल्ब। इस तरह का एलईडी बल्ब वैसे तो आपने मार्केट में देखा होगा, लेकिन कुछ एलईडी आते हैं जो नॉर्मल एलईडी होते हैं 5 mm के, वो लंबे शेप में आते हैं और उनकी रोशनी बिल्कुल तीखी जाती है, यानी बिल्कुल सामने जाती है। जबकि जो स्ट्रॉ एलईडी होते हैं इनकी रोशनी चारों तरफ से फैल जाती है। तो हमें इस तरह का कुछ स्ट्रॉ एलईडी चाहिए जो कि बिल्कुल ब्राइट होना चाहिए। ये स्ट्रॉ एलईडी मार्केट में आपको ज़्यादातर 8 mm का मिलेंगे, लेकिन हमने जो स्ट्रॉ एलईडी खरीदा है वो 8 mm की नहीं है, ये है 4.8 mm की। और ये एक एलईडी मुझे मिला है 1.5 रुपये का। तो आप अपने घर में 10, 20, 50 एलईडी इसी तरीके का खरीद कर रख लीजिए। जब भी आपको ज़रूरत पड़े इसे आप कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यदि आपके पास में कोई प्लास्टिक का टुकड़ा है तो उसे ले लीजिए, या फिर आप चाहें तो मोबाइल का डब्बा ले सकते हैं। जैसे देखिए, ये है मेरे पास एक स्मार्ट वॉच का डब्बा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एलईडी का जो ऊपर वाला डिफ्यूजर है उसे हम इसके ऊपर रख के और पेन से चारों तरफ से इस तरह से गोलाई में खींच देंगे। सर्कल बनाने के बाद इसे हम कैंची की मदद से बिल्कुल गोलाई में काट लेंगे। ठीक है, आपका एलईडी बल्ब चाहे जितना भी बड़ा हो उसके ऊपर वाले डिफ्यूजर पे लीजिए और डिफ्यूजर के नाप का ही काटना है आपको। बड़ा काटेंगे तब भी दिक्कत होगा, छोटा काटेंगे तब भी दिक्कत होगा, उसके बिल्कुल साइज का होना चाहिए। इतना काम करने के बाद अब आपको ध्यान से देखना है कि हमें नया एमसीपीसीबी कैसे बनाना है। यदि आपका एलईडी बल्ब 7 वाट या 9 वाट का है तो उसमें आपको 8 से लेकर 10 LED लगाना है। ठीक है, इन 10 LED को हमें सीरीज में लगाना है। और सीरीज में कैसे लगाएंगे, इस गोले के ऊपर पहले हम इस तरीके से निशान लगा देंगे, प्लस माइनस करते हुए चले जाएंगे और बिल्कुल गोले में इस तरीके से निशान कर देंगे। और उसके बाद कोई हम पील लेंगे या फिर मोटी वाली सुई होगा तो उससे भी हम इसमें चाहें तो छेद कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई पतली कैंची है तो उस कैंची से भी आप इसमें छेद कर सकते हैं। ठीक है, इन LED में 2 पिन होते हैं, बड़ा वाला पिन प्लस होता है और छोटा वाला माइनस होता है। जैसे कि मान लीजिए हमने पहले एलईडी को लगा दिया इस तरीके से, तो आप दूसरी एलईडी को जब लगाएंगे तो जो पहले वाले एलईडी का जो प्लस वाला हिस्सा है उस साइड में हम दूसरे वाले एलईडी का माइनस वाला साइड करेंगे। इसी तरीके से प्लस माइनस करते हुए चले जाएंगे, क्योंकि हमें सभी एलईडी को सीरीज में कनेक्ट करना है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हमने सभी एलईडी को सीरीज में कर दिया है। सभी एलईडी के माइनस वाले कांटे एक तरफ मोड़ देना है और प्लस वाले कांटे एक तरफ मोड़ना है। और उसके बाद सभी एलईडी का जो हमने बाहर में काटा किया है उन कांटों को काट कर बिल्कुल छोटा कर देना है, अंदर वाले कांटों को नहीं काटना है। इतना छोटा करना है कि जो गोला सर्कल है इस सर्कल से अंदर होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, पहली एलईडी के प्लस वाले कांटों को इस तरीके से मोड़ कर दूसरी एलईडी के माइनस वाले कांटे में इस तरीके से सोल्डिंग कर देंगे। इसी तरीके से हम सभी एलईडी के कांटे को आपस में सोल्ड कर देंगे। बस आपको एक ही बात का ध्यान देना है कि सभी एलईडी सीरीज में होनी चाहिए। एक एलईडी का प्लस वाला कांटा दूसरे एलईडी का माइनस वाले के साथ सोल्ड होना चाहिए, दूसरे एलईडी का माइनस वाला कांटा तीसरी एलईडी के प्लस वाले कांटे के साथ सोल्डिंग होना चाहिए। हमें इस तरीके से सोल्डिंग करना है। ठीक है, और लास्ट में क्या करना है, जो एक नंबर एलईडी होगी उसका प्लस वाला कांटा और जो लास्ट वाली एलईडी होगी उसका माइनस वाला कांटा आपस में सोल्ड नहीं करना है, इस तरीके से गैप कर देना है। क्योंकि एलईडी टाइप के सर्किट में से 2 वायर निकला होता है, एक प्लस का और माइनस का। तो लास्ट में जो 2 LED बची हैं, एक का प्लस और दूसरे का माइनस, उनमें हमें प्लस माइनस के हिसाब से वायर को जोड़ देना है। तो हमने यहाँ पर सही प्रकार से सोल्डिंग कर लिया है। अब चलिए इसे हम एक बार चेक करते हैं और देखते हैं कि सही प्रकार से काम कर रहा है कि नहीं।
तो देखिए ये कितने अच्छे से काम कर रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। यदि हम इसके ऊपर डिफ्यूजर लगाते हैं तो ये बिल्कुल ओरिजिनल बल्ब की तरह काम करेगा। इसे देखकर किसी को पता ही नहीं चलेगा कि हमने इसमें खुद से MCPC भी बनाकर लगाया है। हाँ, यहाँ पर आपको एक बार का ध्यान देना है, यदि आपका 7 वाट का LED बल्ब है तो आप चाहें तो इसमें 1-2 बल्ब कम कर सकते हैं, चाहे आपका बल्ब 7 वाट का हो या फिर 9 वाट का हो। इस तरह से MCPC बनाने के बाद पहले आप चेक कर लीजिए कि उसकी रोशनी कितनी है। यदि रोशनी बहुत ज़्यादा है तो आप क्या करना है कि एक बल्ब उसमें और जोड़ देना है, तो रोशनी थोड़ी सी कम हो जाएगी। यदि रोशनी थोड़ी सी कम है तो एक बल्ब घटा दीजिए, और आपको LED को वहाँ से निकालना नहीं है। जो हमने 10वीं LED में वायर जोड़ा था उसे हम क्या करेंगे, वहाँ से हटाकर 9वीं LED में जोड़ देंगे, बस काम हो जाएगा। वैसे तो ये MCPC भी जल्दी ख़राब नहीं होगा, लेकिन यदि मान लीजिए कभी ख़राब भी हो जाता है तो इसे चेंज करना बिल्कुल आसान है। सोल्डिंग आयरन लेंगे, वहाँ से हम फ्यूज LED को निकाल लेंगे और जो सही LED है उसे बिल्कुल आसानी से यहाँ पे हम लगा देंगे, बस ठीक हो जाएगा, मात्र 1 मिनट काम है। और हमने इसमें 10 LED लगाया है तो 10 LED का मिलाकर 1.5 रुपये के हिसाब से होता है 15 रुपया, यानी इस MCPCB को बनाने में मात्र 15 रुपये खर्च लगा है और ये लाइफ टाइम चलेगा। कभी अगर फ्यूज भी होता है तो हमें मात्र वहाँ पर 1 LED चेंज करना पड़ेगा जो कि 1.5 रुपये लगेगा, ठीक है, बस हमारा MCPCB बिल्कुल नया हो जाएगा। तो LED बल्ब रिपेयर करने का ये जुगाड़ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और जुगाड़ वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।